नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के वायरलेस माउस के बारे में। तो गाइस, मतलब इस तरीके से धोखा देती हैं कुछ चीजें। अभी जैसे रिसेंटली एक वीडियो लेके आया था मैं, फ्लिपकार्ट की सी टाइप कनेक्टिविटी केबल जो कि मैंने अपने मोबाइल के लिए ले रखी थी। वैसे तो छोटी थी, मेरे पास यहीं पे लगी रहती है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी थी, मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, और नहीं तो यहाँ पे लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं केबल को फंसाए रखता हूँ, तो इस तरीके से काम नहीं कर पाता। तो 1.5 मीटर की ले रखी थी। अब दोस्तों, इतने रिसेंटली जो धोखा दिया वो इस माउस ने दिया मुझे, कि मतलब इसने एकदम रिसेंट धोखा नहीं दिया, 2-3 दिन से प्रॉब्लम कर रहा था कि कभी कभी इसका टच बार काम नहीं कर रहा था। मैं सोचा सेल डाउन है, तो फिर मैंने सेल बदला, डूरा सेल डाला। देखिए इसके अंदर यहाँ पे टेप से चिपका रखा है, हिलता है इसका ही पीछे वाला, तो यहाँ पे मैंने डूरा सेल डाल रखा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ऑन करने के बाद भी अब ये नो मोर रिस्पॉन्स। और डूरा सेल मेरा डाउन नहीं हो सकता क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी है, और फर्स्ट टाइम चार्ज करके इसमें डाल दी थी, फिर मैंने किसी और चीज में भी डाला तो कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा इसका। मतलब पूरी तरीके से डेथ हो गई है इसकी। और अब आती है कि कितने सालों पुराना है। तो दोस्तों, इसे मैंने मतलब मार्च में खरीदा था, और मार्च के बाद आप लगा सकते हैं कितने साल हो गए इसे, और उसके बाद ये अचानक से सडनली बंद हो गया। तो 450 रुपये का माउस था, लेकिन मेरी बात करूं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्हें बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि नॉर्मल है अच्छा खासा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे कहीं गंदगी में यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से सील पे एसी वाले रूम में यूज़ करता हूँ, और उस कंडीशन में भी दोस्तों ये कंडीशन हो जाती है कि ये प्रोडक्ट सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें कुछ हिल भी रहा है तब से बंद हुआ है। तो यहाँ पे मतलब टूटा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल साउंड भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, और ऐसा नहीं है कि साउंड जो आ रही है पहले से आ रही थी, तो लाइट वाइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। बट टूटा हुआ भी इसका यही है, शायद मुझे लग रहा है ऐसा, कि जो इसका पीछे का मैंने टेप से चिपका रखा है यही, इसके आगे का जो ब्रेकर है वो टूट गया है। तो क्योंकि तब नहीं चल रहा था, गुस्से में निकाला तो वो पट जैसे टूट के वहीं रह गया। तो ये यहीं पे, ये 2-3 दिन पहले की बात हो, यहाँ पे एकदम ब्रेक डाउन हो जाना किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क करता है। ये उसका सेंसर है, तो कभी आप ये सोच रहे हो कि सेंसर लैपटॉप में लगाओ तो बंद हो जाए, तो यहाँ पे किसी तरीके से वर्केबल नहीं हो रहा है। अब आता है कि मैं कैसे यूज कर पाऊँ इसे, या मैं इसे रिटर्न करूँ। तो इसकी रिटर्न पॉलिसी दोस्तों पता नहीं 6 महीने का था शायद, या 1 साल की थी, लेकिन क्या फायदा अब इसे, तब तक रिटर्न में डालूंगा, इतनी देर में तो मैं नया मंगा लूंगा। तो फिलहाल अब नया मंगाया, आपको जल्दी एक नया एचपी का वायरलेस प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और जल्दी उसकी वीडियो भी आप देख पाएंगे। तो फिलहाल इसका तो बिल्कुल वर्कलेस है, आप कभी मंगाने का सोच रहे हैं फ्लिपकार्ट का वायरलेस माउस, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि रिक्वायरमेंट में रहता है कि हाँ फ्लिपकार्ट की चीज़ ज़्यादा अच्छी है। पहले अच्छा लगता था मुझे क्योंकि मैंने वायरलेस चार्जर भी फ्लिपकार्ट का, सी टाइप केबल भी फ्लिपकार्ट की, वायरलेस माउस भी फ्लिपकार्ट का, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं डिफाइंड हो रही है चीज़ें कि ज़्यादा प्रोडक्ट में ड्यूरेबिलिटी नहीं है। आप क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते, बस एक टेम्प्रेरी तौर पे 3-4 महीने चल जाए कस्टमर के पास, सफिशियंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।